नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की 400 पद पर होगी बहाली। ब्रिलियंट शोधार्थियों के लिए खुशखबरी। बेटियों के ट्रोलिंग पर गुरमीत चौधरी ने दिया जवाब। इस नए फीचर को जल्द ही लॉन्च करेगा यूट्यूब। और सूर्य कुमार यादव को टेस्ट में वापसी की उम्मीद। अब चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गेल इंडिया लिमिटेड ने निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। गेल इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर, फोरमैन, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर केमिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट और टेक्नीशियन जैसे पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 391 पदों के लिए है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट gailonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट या अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में 1235 करोड़ के निवेश से मिलेगा कोको कोला। बिहार के विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मशहूर उत्पादक कंपनी कोको कोला की फ्रेंचाइजी मेसर्स SLMG बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवागढ़ में एक नया बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का ऐलान किया है। परियोजना पर 1235 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने इस महत्वपूर्ण निवेश की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। इस बड़ी पहल से न केवल बक्सर बल्कि पूरे बिहार में विकास की नई लहर आएगी। बिहार में खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार में अब 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही खुलेंगे। बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हर राज्य के समाज कल्याण मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहम बैठक की। इस दौरान बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार की आबादी को देखते हुए 18,380 नए केंद्र खोलने की मांग की है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने केंद्र में पोषाहार की राशि बढ़ाने, 10 नए जिलों में वन स्टॉप सेंटर का भवन निर्माण और संचालन सहित कई मांगे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार की मांग को गंभीरता से लेते हुए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमराव में 21 मार्च 1916 को हुआ था। वर्ष 2001 में इन्हें इनके सराहनीय काम के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री और ना जाने कई उपलब्धियों से सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लोगों के बीच साझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक रहे। ये अक्सर बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाया करते थे। 21 अगस्त वर्ष 2006 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। राजधानी पटना में बनेगा खेल सिटी। बिहार की राजधानी पटना में खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। बता दें कि इस खेलगांव सिटी में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जमीन की तलाशी शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि खेल विभाग ने खेलगांव बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी है। उन्होंने कहा कि पुनपुन क्षेत्र में जमीन देखी जा रही है और दूसरे क्षेत्र को भी विकल्प के तौर पर रखा गया है और जमीन तलाशने का जिम्मा अपर समहर्ता को दिया गया है। संबंधित अंचलाधिकारी से विचार करने के बाद जल्द ही जिला प्रशासन प्रस्ताव बनाकर भेजेगा। बिहार में कपड़ा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में उद्योग के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने राज्य में कपड़ा उद्योग को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि 14 जून 2024 को उन्होंने केंद्र सरकार से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं की मांग की थी, जिसके बाद केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने भागलपुर जिले में रेशम उद्योग के लिए विकास के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी है।
इसके अलावा टिकारी बेलागंज गया और मीराचक भागलपुर में लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत भी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राज्य हस्तकरघा एक्सपो पटना और गया के आयोजन को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि इस मामले से बिहार में निवेश बढ़ेगा और कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। ब्रिलियंट शोधार्थियों के लिए खुशखबरी। ब्रिलियंट शोधार्थियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री शोधवृत्ति योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। बता दें अब सरकार बिहार में मेधावी शोधार्थियों को हर महीने 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। बता दें कि पहले सरकार शोधार्थियों को केवल 10,000 रुपए देती थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार सभी विषयों में प्रत्येक वर्ष बिहार के मेधावी विद्यार्थियों को PhD करने के लिए शोधवृत्ति प्रदान की जाएगी। शोधवृत्ति योजना के तहत PhD करने वाले शोधार्थियों का चयन विश्वविद्यालय की कमेटी करेगी। विश्वविद्यालय के स्तर से चयनित शोधार्थियों के नाम की अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजेगी। बिहार पुलिस ने 15 टेलीग्राम और 3 व्हाट्सएप चैनल को किया चिन्हित। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने 15 टेलीग्राम चैनल और 3 व्हाट्सएप चैनल को चिन्हित किया है, जिन्होंने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से संपर्क किया है और साथ ही प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के एवज में UPI ID से पैसे भी हस्तांतरित किए गए हैं। अब EOU सभी सोशल मीडिया चैनल और UPI ID की पड़ताल कर रही है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे भागलपुर जिला के बारे में। यदि आप भागलपुर के हैं या इस जिले में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो कई ऐसे चीज़ें हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह जिला बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आपको सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस जिले में ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। भागलपुर में आकर आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही मंदार हिल, तिलका माझी, महर्षि मेही आश्रम, चंपापुर, दिगंबर जैन, सिद्ध क्षेत्र आदि घूम सकते हैं। अगर आप फ्लैट या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब आपको अपने फ्लैट या प्लॉट को रेरा में निबंधन कराना होगा। बता दें वैसी भू संपदा जिनमें जमीन का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है या फ्लैट की संख्या 8 से अधिक है, उनका रेरा में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। प्रमोटर बिना रेरा से निबंधन कराए बगैर ऐसे भू संपदा परियोजना का प्रचार, बुकिंग या बिक्री नहीं कर सकते हैं। निबंधन संख्या की जांच रेरा की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in पर परियोजना अथवा प्रमोटर के नाम डालकर की जा सकती है। ये जानकारी हमें IPRD के जरिए प्राप्त हुई है। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 400 पद पर होगी बहाली। बिहार के मध्यपुरा के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर की ओर से सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सिक्योरिटी गार्ड के लिए 400 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बता दें सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना आवश्यक है। वहीं सुरक्षा जवान की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। दोनों पद के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बता दें जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त शरण भवन में 10 अगस्त सिंहेश्वर प्रखंड कार्यालय परिसर में, 12 अगस्त गमरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में, 13 अगस्त गैलाड प्रखंड कार्यालय परिसर में, 14 अगस्त शंकरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में, 16 अगस्त को शिविर का आयोजन किया जाएगा। वही कुमारखंड प्रखंड कार्यालय परिसर में 17 अगस्त, मुरलीखंड प्रखंड कार्यालय परिसर में 19 अगस्त, बिहारीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में 20 अगस्त, ग्वालापाड़ा में 21 अगस्त, उदा किशुनगंज में 22 अगस्त, पुरैनी में 23 अगस्त, चौसा में 24 अगस्त और आलमनगर में 27 अगस्त। अब जिला नियोजालय में NCS पोर्टल पर पंजीकृत छात्र इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनियों पर बिहार की नजर। बांग्लादेश में हालात को देखते हुए कई कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियों को शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। बिहार ने
इसको लेकर सुनहरा मौका मानते हुए अहम कदम उठाए हैं। बता दें कि राज्य ने बड़े संगठनों के साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी है और राज्य सरकार ने अप्रैल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी सूचित किया है कि अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी बांग्लादेश से अपना पूरा सिस्टम भारत में स्थानांतरित करना चाहती है तो बिहार इसके लिए पूरा तरह से तैयार है। बता दें बिहार और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरिंग हब के बीच सड़क मार्ग की दूरी मात्र 1000 किलोमीटर से भी कम है, जो इस शिफ्ट को और भी सुविधाजनक बनाता है। अब देखना यह होगा कि क्या बांग्लादेश से कंपनियों के भारत में शिफ्ट होने के इस अवसर का बिहार सफलतापूर्वक लाभ उठाता है या नहीं। बेटियों के ट्रोलिंग पर गुरमीत चौधरी ने दिया जवाब। टीवी जगत के लोकप्रिय सितारे बिहार के गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी ने पब्लिक लाइफ और उसके प्रभाव को लेकर अपना विचार साझा किया है। उन्होंने कहा कि जब आप एक्टर या पब्लिक फिगर होते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से पब्लिक हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कभी ये नहीं लगा था कि उनकी फेम का असर उनके बच्चों पर पड़ेगा, लेकिन अब वे इस नेगेटिविटी को मैनेज करना सीख चुके हैं। एक्टर ने कहा कि हमने सीख लिया है कि नेगेटिविटी से कैसे निपटना है। जब हमारी सोशल मीडिया क्रिंजेस की बात आती है तो उस पर 80-85% अच्छी और सकारात्मक चीज़ें हैं, जबकि 5% लोग हमें और हमारे बच्चों को ट्रोल करते हैं। बिहार को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने बिहार, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों को एक बेहद ही खास तोहफा दिया है। बता दें पीएम मोदी ने 7 राज्यों में 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से आ जाने से यात्रा में आसानी हो जाएगी, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, इसके साथ ही कनेक्टिविटी से जुड़ी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। बता दें ये परियोजनाएं 7 राज्यों ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेगी। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इन परियोजनाओं के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे 6 आकांक्षी जिलों और लगभग 510 गांवों और 40 लाख लोगों को संपर्क बढ़ेगा। इस तरह फीचर को जल्द ही लॉन्च करेगा यूट्यूब। YouTube को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस पहले से और भी बेहतर हो, इसी कड़ी में YouTube एक और नया फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये नया फीचर स्लीप टाइमर है। स्लीप टाइमर फीचर आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट का मिलेगा, जो प्लेबैक को रोकने के विकल्प के रूप में काम आएगा। यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए है जो बेड पर जाते समय कुछ वीडियोस देखना पसंद करते हैं। यदि आप YouTube के स्लिप टाइमर सेट फीचर को 10 से 60 मिनट के टाइम के बीच सेट करते हैं तो इतने समय के बाद आपके फ़ोन में जो वीडियोस चल रहे होंगे वे खुद उस समय के बाद चलना बंद हो जाएंगे या रुक जाएंगे। अभी तक इस फीचर को साधारण यूजर के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि 2 सितंबर तक साधारण यूजर्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए। पटना में आयोजित मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में बिहार की बेटी काजल रानी का चयन किया गया है। बता दें कि काजल रानी दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में काजल रानी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। वही काजल रानी ने आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काजल रानी को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की। एक UPI अकाउंट को कई लोग कर पाएंगे यूज। अब आपका UPI अकाउंट आपके परिवार के लोग आपकी सहमति से इस्तेमाल कर पाएंगे। UPI को लेकर RBI की ये पॉलिसी खासकर परिवार के सदस्यों के लिए उपयोगी साबित होगा। इस सुविधा को डेलीगेट्स पेमेंट्स के नाम से भी जाना जाएगा। बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी। इस नए फीचर के माध्यम से जिनके नाम पर अकाउंट है वे किसी को भी अपने UPI अकाउंट के इस्तेमाल के लिए इजाज़त दे सकते हैं। इसमें बैंक अकाउंट सिंगल ही होगा, लेकिन कई लोग उससे UPI ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। बिहार के इन जिलों में है बारिश की संभावना। बिहार के कई इलाकों में मॉनसून की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। कई जगहों पर इस जगह से झमाझम बारिश देखने को मिला। आज भी प्रदेश के कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कैमूर और रोहतास में एक एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही प्रदेश में बक्सर, बांका, भागलपुर में भारी बारिश के साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। ग्राम कचहरी सचिव और तकनीकी सहायकों की बढ़ेगी सैलरी। बिहार सरकार जल्द ही ग्राम कचहरी सचिव और तकनीकी सहायकों का वेतन बढ़ा सकती है। बता दें, न्यूनतम वृद्धि का लाभ सभी को मिलेगा, लेकिन हम अधिकतम वृद्धि की बात करें तो बेहतर काम को देखते ही इसे वृद्धि किया जाएगा। मानदेय बढ़ाने के लिए पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समिति की मोहर लग गई है। अब कैबिनेट से इस प्रस्ताव के मंजूर होने का इंतजार है। बता दें कि मानदेय बढ़ोतरी का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने की तैयारी है। कुल 9,700 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। वेतन कितना बढ़ेगा इसकी अगर हम बात करें तो संशोधन के बाद ग्राम कचहरी सचिव का न्यूनतम मानदेय जो है प्रति माह 6,000 से बढ़कर 7,000 रुपए, जबकि अधिकतम मानदेय 10,000 तक होगा। लेखापाल आरटी सहायक का संशोधित न्यूनतम मानदेय जो है 20,000 से बढ़कर 21,000 होगा। लेखपाल का अधिकतम मानदेय 25 से 36,000 तक हो सकता है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने बिहार अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2024 के लिए राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम की घोषणा कर दी है। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट BCEEE.admission.nic.in के माध्यम से सीट आवंटन परिणाम की जांच कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार 12 अगस्त तक अपना सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और राउंड 2 के लिए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया आज से शुरू है और 12 अगस्त को समाप्त होगी। UGESC मेरिट सूची उम्मीदवार की वरीयता और उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाएगी। बिहार में एनडीए सरकार 12 अगस्त से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू करेगी। बिहार कला, संस्कृति और युवा मामलों के विभाग ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि वे जीविका दीदियों और बुनकरों के पंजीकृत संघों को अपने अपने जिलों में विनिर्देशों के अनुसार भारतीय ध्वज के निर्माण में शामिल करें। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस अभियान के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रधान महासचिवों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 में नीतीश कुमार ने धोखा दिया था, लेकिन फिर हम लोगों ने उन्हें साथ देने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना था। हालांकि नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनके डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। प्रशांत किशोर बोले, हमारा मुकाबला सिर्फ एनडीए से। बिहार में जनसुराज पार्टी बनाकर 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ एनडीए से होगा। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि अगर चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो आरजेडी को इतने सीटें नहीं मिलती। पीके ने कहा कि आरजेडी अब कोई बड़ा फैक्टर नहीं है और आगामी चुनाव नीतीश कुमार के एनडीए और जनसुराज के बीच होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी पिछले कुछ वर्षों में केवल कांग्रेस और जेडीयू के सहारे सत्ता में आई है। सूर्य कुमार यादव को टेस्ट में वापसी की उम्मीद। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टेस्ट क्रिकेट को नहीं छोड़ा है। वे सलेम में जम्मू और कश्मीर के खिलाफ मुंबई के मैच में मैदान पर नजर आ सकते हैं। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं तीनों प्रारूपों में भारत के लिए खेलना चाहता हूँ। बूची आबू में खेलकर मुझे इस सीजन में लाल गेंद वाले टूर्नामेंट के लिए अच्छा अभ्यास मिलेगा। सूर्य कुमार यादव का ये कदम मुंबई की टीम के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है और क्रिकेट प्रेमियों के बीच उनके वापसी को लेकर जो उत्साह है वह दुगुना हो गया है। आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव तीनों प्रारूपों में खेलने लायक हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कई कारणों में दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज ही के दिन वर्ष 1960 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। आज ही के दिन वर्ष 1961 में दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 2004 में भारत और पाकिस्तान के वांछित अपराधियों की सूची की अदला बदली की गई थी। और आज ही के दिन वर्ष 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारतीय गवर्नर रहे डी सुब्बा राव का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1954 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का सवाल है, हाल ही में भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। हाल ही में वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 1 दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन ए है 42%, ऑप्शन बी है 83%, ऑप्शन सी है 165% और ऑप्शन डी है 142%। इसका सही आंसर होगा 165%। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गिरहुत पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी है राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र और ऑप्शन डी है बंकू पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है सर थॉमस फ्रेडरिक, ऑप्शन बी है सर कॉटनी तातेल, ऑप्शन सी है सर एडवर्ड मेनार्ड और ऑप्शन डी है सर रॉबर्ट रिप्टन। इसका सही आंसर होगा सर एडवर्ड मेनार्ड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है सुजीत सिंह, विकास दास, विनय यादव, सादुल्लाह पलवी, नीतीश कुमार सिंह, असलम खान, कस्तूरी शर्मा, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, निशा कुमारी, रंजीत पंडित, राजीव कुमार, सुमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में निकल रहे जॉब वैकेंसी से आप संतुष्ट हैं या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।